अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। इतिहास न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आज बहुत ही खास खबर पर तबसरा करेंगे, क्योंकि भारतीय मूल के ऋषि सुनक ब्रिटेन के वजीर आजम बन चुके हैं। यकीनन ये बात काबिल गौर है और काबिल फख्र भी है कि भारत के बुनियादी तौर पर रहने वाले ऋषि सुनक अंग्रेज मुल्क में सबसे ऊंचे ओहदे पर फाइज हो चुके हैं। कभी एक वक्त ऐसा भी था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर कब्जा किया था, लिहाजा इसे इस तरह से भी देखा जा रहा है कि भारत का एक शख्स आज ब्रिटेन के ऊंचे ओहदे पर फाइज है। अब इसे दुनिया भर में मुख्तलिफ नजरों से देखा जा रहा, पर सबसे अलग नजरिया भारत में देखा जा। यकीनन भारत में इनके खानदान की जड़े होने की वजह से जाहिर हिंदू होने की बात भी खुद ऋषि सुनक ने कही है। इस बात का तस्करा भी बहुत अहम हो जाता है। और भारत जहां ऋषि सुनक वजीर आजम बनने पर खुशियां और जश्न मना रहा है, वहीं क्या भारत में इस तरह कोई ऐसे ऊंचे ओहदे पर फाइज हो सकता है? इनके अकलेती तबके का की बहस भी जारी हो चुकी है। कुछ लोगों ने तो और खासकर भाजपा या हिंदुत्ववादियों को इस तरह खुशी मनाने का कोई भी हक और अधिकार नहीं है, ऐसा कहा जा रहा है। दुनिया भर में एक हिंदू ब्रिटेन के वजीर आजम बनने की बात खास तौर से भारतीय मीडिया इसे बड़ा चढ़ाकर दिखाने पर हैरानी का इजहार भी कर रही। वैसे भी भारत के फर्द का वजीर आजम के ओहदे पर फाइज होना ये पहली वारदात ही कही जा रही है। भारत के 140 करोड़ की आबादी वाले मुल्क में इससे पहले भी बड़े ओहदे पर फाइज होने की मिसालें देखी जाती है। बैरूनी ममालिक में कोई भारत का शख्स ऊंचे ओहदे पर बैठ जाए, यकीनन फक्र की बात कह सकते हैं। लेकिन इसे किसी धर्म से जोड़कर देखना मुनासिब नहीं है, क्योंकि खुद ऋषि सुनक हिंदू होने के बावजूद वो अपने आप को अंग्रेज ही कहते हैं। 2015 में खुद ऋषि सुनक ने कहा था कि अगरचे कि मैं हिंदू हूं, लेकिन मैं पूरी तरह से ब्रिटिश हूं और यह मेरा घर और देश है। ऋषि सुनक के वजीर आजम बनने के बाद भारत में भी एक नई बहस छिड़ी हुई है कि क्या भारत में अकलियती तबका समझा जाने वाला मुस्लिम समाज का कोई वजीर आजम के ओहदे पर फाइज हो सकता है। क्योंकि जब इटली से बहू बनकर आई सोनिया गांधी को जब वजीर आजम बनाने की बात कही जा रही थी, तो आज जो सबसे ज्यादा खुशी का इजहार करने वाली भाजपा सोनिया गांधी को वजीर आजम बनाने पर सख्त मुखालिफ हुई है, और इसका आज भी भाजपा वालों में असर देखा जाता है। जबकि ब्रिटेन से भारत को सीख लेनी चाहिए कि अकलेती तबके के ऋषि सुनक को वजीर आजम जैसे सबसे ऊंचे ओहदे पर बिठाया गया। मैं हर बात को हिंदुओं से जोड़कर जश्न मनाना और हर बात में सियासी मफाद तलाशने वाले अंधभक्त और खासकर भाजपा वालों पर जमकर दुनिया भर में भी हमला किया जा रहा है। वाजा रहे, सोनिया गांधी कर्नाटक के बेल्लारी से चुनाव लड़ रही थी, तो भाजपा की सुषमा स्वराज ने सख्त मुखालिफत करते हुए कोई विदेशी वजीर आजम नहीं बन सकता कहा था। आज भी संबित पात्रा सोनिया गांधी का मजाक उड़ाते हुए इटली की कहते नहीं थकते और उनका मजाक भी उड़ाते रहते। जबकि इससे पहले भी कमला हैरिस का अमरीका की उपराष्ट्रपति बनना हो, या सत्ता नडेला का माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ बना, या फिर सुंदर पिचाई का अल्फाबेट का सीईओ बना, लिहाजा दुनिया भर में भारत ही एक ऐसा मुल्क जहां तंग नजरिया रखने वाले लोग कहे जाते हैं। जब तक सुषमा स्वराज जिंदा रही है, हमेशा सोनिया गांधी के मुखालिफत में रही, और भाजपा संघ परिवार ने हमेशा विदेशी कहते हुए सोनिया गांधी का विरोध ही किया। लेकिन जब ऋषि सुनक वजीर आजम बने हैं, तो हिंदू ब्रिटेन का वजीर आजम बनने पर इंतहा की खुशी का इजहार तो कर ही रहे हैं, पर अपने गिरेबान में इन्हें झांकने की तौफीक नहीं हो रही। पर सवाल तो उठाना लाजिम हो जाता है, क्योंकि भारत की सबसे बड़ी अकलियती माशरे के किसी भी उम्मीदवार को टिकट तक ना देने वाली भाजपा किस मुंह से ऋषि सुनक पर जश्न मना रही है? अब जब मुसलमानों को ऊंचे ओहदे पर बिठाने की बात आ ही है, तो एपीजे अब्दुल कलाम को सदर हिंद यानी राष्ट्रपति बनाने की बात कही जाती है। इसी तरह फिलहाल द्रौपदी मुर्मू को यानी एक आदिवासी खातून को राष्ट्रपति बनाने की बात भी कही जा रही है। हामिद अंसारी को नायब सदर हिंद, इससे पहले भी अगर मुसलमानों का जिक्र किया जाए तो जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद का भी तस्करा किया जाता रहा। लेकिन ये भी बात उतनी ही सच है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के सिवाय भारत में रबर स्टैंप की हैसियत होने की बात कही जाती है। आज ऋषि सुनक के वजीर आजम होने के बाद भाजपा का एक हिंदू वजीर आजम की बात कहना, इस पर सवाल यही पूछा जा रहा है कि क्या भारत में मुसलमान वजीर आजम बन सकता है? जबकि भारत को सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क कहा जाता है, ब्रिटेन ने अपने फराग दिले और सच्चे लोकतंत्र का मुजाहरा करते हुए अकलेती ऋषि सुनक को सबसे ऊंचे ओहदे पर बिठाया गया।
सभी जानते हैं कि भारत में मुसलमानों के साथ किस तरह का बर्ताव किया जा रहा है। आए दिन मुसलमान दलितों के साथ क्या कुछ इन हिंदुत्ववादियों संघीय और भाजपा की जानिब से नहीं किया जा रहा। लिहाजा क्या मुसलमान को वजीर आजम बनाया जाएगा, क्या इसकी चर्चा तो हो ही रही है। वही दूसरी ओर मुसलमानों को सियासत से ही बेदखल करने की साजिश जारी है। भाजपा ने तो किसी भी मुसलमान को टिकट देने से परहेज करना शुरू किया है और दीगर पार्टियां भी अब मुसलमानों से दूरी अख्तियार करने की कोशिश कर रहे हैं। लिहाजा बजाय जश्न मनाने के बेहतर लोकतंत्र कैसे कायम किया जाए, जैसे ब्रिटेन ने कर दिखाया है, भारत भी इसी तरह अकलियतों के साथ इंसाफ करे, वरना तो दुनिया भर में वैसे भी भारत की थूथू हो ही रही है। जरूरत है ब्रिटेन में हिंदू वजीर आजम का ढिंडोरा पीटने से भारत की सबसे बड़ी अकलियती आबादी को बराबर का हक देते हुए मुसलमान को वजीर आजम बनाया जाए, इसकी मांग अब बढ़ती जा रही। पर क्या हिंदू राष्ट्र का ख्वाब देखने वाले वाजपेयी संघी और हिंदुत्ववादी ये करने देंगे, ये भी उतना ही सच है। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।